हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑलरेडी राइट। चलिए, आप एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन पर, है ना। लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी, देखिए गाइज, आपके लिए एक हम नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। गाइस, टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। देखिए, ये हमारे लाइफ में बहुत टाइम आता है, बार बार आता रहता है ना। हमारे लाइफ में इसका यूज बहुत होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जब ये चैप्टर आता है ना परसेंटेज का, तो देखते हैं परसेंटेज का जो मीनिंग होता है। परसेंटेज को बोलते हैं ये हंड्रेड से होता है, इसका रिजर्वेशन होता है। परसेंटेज बोलते हैं मतलब 100, जो भी परसेंट होती है ना, वो इससे कैलकुलेशन होती है। 100 बोलते हैं परसेंटेज को। अब देखिए कैसे, जैसे आपने अपनी बुक में एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो देखिए होता क्या है, उसमें आपको एक सर्किल देखने को मिलेगा। ऐसे सर्किल होता है और सर्किल के चार पार्ट कर दिए जाते हैं, फोर पार्ट, है ना। करने के बाद होता क्या है, इसमें किसी एक पार्ट को सेट कर दिया जाता है ना, सेट ऐसे। और क्वेश्चन होता है राइट द सेडेड पार्ट, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे राइट द सेडेड पार्ट। देखिए यहाँ पर मैंने एक पार्ट को सेट किया है, हो सकता है दो पार्ट को सेट किया जाए या तीन पार्ट को सेट कर दे, और तब पूछे राइट द सेडेड पार्ट। तो देखिए अब आपको करना क्या है, वेरी सिंपल करना क्या है। अगर देखिए इसको मैं हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ, हिंदी में बोलते हैं छायांकित भाग को दर्शाइए, छायांकित भाग को लिखिए या दर्शाइए। तो देखिए ये है एक सर्कल, कितना है 1, इसके हमने पार्ट कितने किए 4, और उन्होंने सेट कितने किया 1। तो हम क्या करेंगे, नीचे देखिए एक फ्रैक्शन बन जाएगी है, नीचे जो टोटल पार्ट्स है उसको हम लिखेंगे। नीचे टोटल कितने पार्ट्स है इसके, 4, 4 में से सेट किसको किया गया 1, कितने पार्ट 1 मींस 1/4, कितना है 1/4। अगर यहाँ पर 2 होता, सपोज कहिए चलिए 2 कर देते हैं, है ना, देन तब क्या हो जाएगा 2 मींस सेट पार्ट कितने हो गए 2। अगर वो 3 को कर देते हैं, Then 3, okay? तो ऐसे ही। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट उस पर दिखा देता हूँ जो मैंने एक पार्ट को सेट किया है ना। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, ये एक सर्किल है, इसके चार पार्ट किए हुए हैं, और इसमें से कितने पार्ट को सेट किया 1, है ना। तो मैं जैसे बता रहा था, इसमें टोटल पार्ट है 4, इसमें से हमने कितने को सेट किया 1, तो ये हो गया 1/4। अब परसेंटेज से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे 1/4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/4, क्या बोलेंगे 1/4, ओके। अगर हम इसके दो पार्ट सेट कर दें, है ना, देन ये कितना हो गया, ये देखिए वैसे तो 2/4 हो गया, लेकिन हम इसको बोलेंगे हाफ, आधा। कैसे, देखो टोटल पार्ट कितने हैं 4, सेट कितने हैं 2, या देखिए अब 2/4 मींस 4 पार्ट में से 2 सेट किए हुए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मींस 1/2, इसे हम बोलेंगे हाफ, आधा। अगर इसमें 3 पार्ट सेट कर लेता हूं, ओके, देन 3/4, है ना, इसको बोलेंगे 3/4, क्या बोलेंगे 3/4। अगर हिंदी में बोलें 1/4, चलो हिंदी में इसको दिखा देता हूँ,
हिंदी में इसको बोलेंगे एक चौथाई, मीन्स एक का चारवां हिस्सा, वन अपॉन टू, इसको हिंदी में बोलेंगे आधा, यानी एक में से आधा, उसके दो हिस्से करके एक पार्ट उसको, एक पार्ट उसको। नेक्स्ट थ्री फोर्थ को बोलेंगे तीन चौथाई, तीन चौथाई। ओके, तो देखिए अगर एक पार्ट को साइड किया तो वन अपॉन फोर, दो को किया तो टू अपॉन फोर, देन वन अपॉन टू मीन्स आधा हाफ, और अगर तीन पार्ट को साइड किया है तो थ्री अपॉन फोर, है ना, थ्री अपॉन फोर्थ मीन्स तीन चौथाई। अब ये तो आ गई बात इसकी कि हम एक पार्ट में कितने साइड करके उसको कैसे, देखिए गाइस ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए अभी मैं यहीं पे समझाता हूँ। सपोज मैंने एक ये स्तर दूसरा स्तर के लिया है, इसके मैंने और ज़्यादा पार्ट कर दिए, ठीक है, ये तो फोर हो गए, ये और कर दिए, ठीक है। अब काउंट करके कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हो गए। अब अगर मैं इसमें से चलिए वन पार्ट को सेट कर देता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एट, क्या बोलेंगे, वन अपॉन एट। अगर मैं दो पार्ट को सेट कर दूँ देन टू अपॉन फोर, सॉरी एट, ओके, टू अपॉन एट, या इसको हम वन अपॉन फोर भी बोलेंगे, बोल सकते हैं वन टू अपॉन एट या वन अपॉन फोर एक चौथाई। तो इसमें ये मैंने इसलिए समझाया कि हम इसके कितने भी पार्ट कर सकते हैं, केवल अगर हमने सेडेड पार्ट का इसमें रेशो निकालना है तो टोटल पार्ट्स में से जितने पार्ट्स सेड किए हुए हैं टोटल पार्ट्स को हम नीचे लेंगे। नीचे देखिए ये फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा मैं चलिए फ्रैक्शन में सब बता देता हूँ। जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला जो नंबर होता है इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। हिंदी में इसे अंश बोलते हैं, इसे बोलते हैं हर, अंश और हर। क्या है कि टोटल पार्ट में से जो हमने टोटल पार्ट किए उनमें से कितने पार्ट को सेट किया गया, ये एक फ्रैक्शन बन जाती है। तो देखिए यहाँ तक तो ये हो गई एक नॉर्मल बात, जनरल बात जो मैंने इसको आपको समझाने के लिए करा। अब मैं आगे इसकी परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। तो देखिए अभी तक जो मैंने इसके बारे में बात बताई वो थी एक जनरल बातें, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट है कि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना कैसे कैसे करते हैं। फाइंड द परसेंटेज, देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप स्टूडेंट्स हैं, घर में दो तीन बहन भाई हैं, तो देखिए फादर आए है ना, आपके पापा आए, पापा बाजार से ना एक सेब लेकर गए, है ना, सेब आपको दिया, आपसे बोला भाई इसके चार पार्ट कर लो, है ना, चार पार्ट कर दिए, फिर बोला भाई एक पार्ट इसको दे दो, दो पार्ट इसको दे दो, ऐसे दे दो, है ना। या आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बेटों में इस तरह से बांटी, इतना हिस्सा बेटी को दिया, है ना। या एक इम्पोर्टेंट है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, जैसे आप क्लास में होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में आप मार्क्स गेन करते हैं, और गेन करने के बाद तब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो उसमें परसेंटेज होती है, तो वो कैसे आती है और कैसे हम उसको निकालते हैं, ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। चलिए मैंने एक एप्पल का एग्ज़ाम ले लिया, किसी के पापा जी बाज़ार से एक एप्पल लेकर के आए, है ना, और उन्होंने एप्पल को लिया, बच्चे को दिया एक को, उससे कहा भाई इसके चार पार्ट कर दो, तो उन्होंने उसके चार पार्ट कर लिए। ओके, करने के बाद अब उन्होंने कहा बच्चों के, देखिए मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर बच्चे हैं ए बी, है ना, ऐसे करके, या ए को ले लो सी, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, एक पार्ट को उन्होंने कहा चलो ठीक है इसको ए को दे दो, इस पार्ट को ए को दे दो, ठीक, ए को दे दिए। अब ए को कितना पार्ट दे दिया उन्होंने, ए को फोर में से वन पार्ट, कितना, वन पार्ट। अब ये वन पार्ट मिल गया उसे, एक से में से फोर पार्ट के फोर में से एक उन्हें मिल गया। अब हमने इसका परसेंटेज निकालना कि उसको कितने परसेंट मिला, तो देखिए वेरी सिंपल,
करना क्या है, जो फ्रैक्शन हमारी बनी हुई है उसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। कितना कर देनी है? 100 से। देन क्या हो जाएगा, 100 बन जा 100 अपॉन 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे देन 25%। ओके, ये आ गया उसका परसेंटेज जो हिस्सा ए को मिला। नेक्स्ट उन्होंने कहा चलो बी को दो पार्ट दे दो, बी को दो पार्ट दे दिए, ठीक है जी। अब बी को दे दिए दो पार्ट, तो बी को कितना मिला, देखिए टोटल पार्ट थे 4, 4 में से मिले 2, है ना, तो ये कितना हो गया 1/2, मींस 1/2 को मैंने कितना बताया था, हाफ, आधा। अब इसका परसेंटेज निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 100, देन 100/2 मींस 50%। ओके, चलिए ये सी को दे दिया, अभी एक पार्ट बच गया। अब सी को कितना मिला, सी को भी सेम वही मिला 1/4, है ना, मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, देन वही सेम 100/4 मीन्स 25%। अब देखिए ये हो गया, अब हम इसको, हमने इसको पूरा 100% लेके आना, कैसे आएगा, सीधी सी बात है, 25% 50% एंड 25, देन 25 25 50 एंड 50 100। ओके, या अगर हम इससे करें इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो मैंने यहाँ पर 1/4 1/2, अगर सपोज किसी को चार पार्ट में से तीन पार्ट मिलते हैं यानी कि 3/4, ये कितने परसेंट होता है, चलिए तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, वही सीधा सा फॉर्मूला है, 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 100 3 जा 300 अपॉन 4, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 मीन्स 75%। ओके भाई, 1/4 का 25%, 1/2 50%, हाफ 1/4 देन 25%, है ना, और अगर 3/4 का निकालते हैं तो आता है 75%। मीन्स देखिए अगर ये ऐसा पूछने लगे कि इन दोनों का रेशो बताओ, भाई इन दोनों को कितने पार्ट मिले, ये बी और सी को, तो 75% मीन्स 75% बी और सी को, और ए को मिला 25%, 100। ओके, तो वीडियो समझ में आइए, पहले से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, इसको सेव कर लीजिए। तो देखिए गाइस, अब वही बात आती है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आप अपनी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई सपोज आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद में आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम के, और लास्ट में जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो उसमें आपकी परसेंटेज होती है, उसे आप खुद अपनी परसेंटेज खुद निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज मैं देखिए इससे ले रहा हूँ, एक बच्चा है, चलिए इसका मैंने एक नाम दे दिया रोहित, ठीक है, रोहित ये स्टूडेंट है, इसी क्लास का ले लीजिए 6th 7th 8th 9th 10th XY। अब इसने हिंदी में हिंदी का एग्ज़ाम दे दिया है, हिंदी का एग्ज़ाम है ना, ये उसका स्टूडेंट होता है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम है 50 में से उसे 30 मिले, मीन्स क्या है जो मैक्सिमम एग्जाम पेपर है वो 50 मार्क्स का है और उसने जो गेन किए हैं वो गए 30। अब आपको इसका परसेंटेज निकालना है, कैसे बिल्कुल बिल्कुल निकालिए, उसने टोटल एग्जाम पेपर है 50 मार्क्स का, 30 मार्क्स उन्होंने गेन किया है, इसका परसेंटेज निकालना है। ओके, 30 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 खत्म, यानी 5 से 30 60%। नेक्स्ट चलिए मैथ, मैथ के एग्जाम में वही 50 का मैक्सिमम एग्जाम पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है, उनके मार्क्स है चलिए 25, आप इसका भी परसेंटेज निकाल लीजिए, 25 मैंने गेन की कितने में से 30,
एकदम आइए। चलिए ठीक है, अब देखिए आ जाइए आप, दो सब्जेक्ट हो गए हिंदी मैथ, अब आ जाते हैं हम इंग्लिश। वही एग्जाम पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है, उन्होंने 40 मार्क्स फेल किए हैं, है ना। देन इनका परसेंटेज निकालना 40/50 × 100, देन 4000/50, जीरो से जीरो कट करिए, मीन्स 80%। ओके नाउ अब आप आ जाइए SST सोशल स्टडी, वही एग्जाम पेपर 50 मार्क्स है ना, 50 में से उन्होंने किया है 42%, मान लीजिए 42 मार्क्स इनका परसेंटेज निकालेंगे 42/50 × 100, देन कितना हो जाएगा 4200/50, जीरो से जीरो कट करेंगे, 5 × 40 × 5 × 20, मीन्स 84%। नाउ ड्रॉइंग, चलिए ड्रॉइंग में टोटल मार्किंग में वही 50, एग्जाम पेपर 50 का है, और 50 में से उन्होंने चलिए 46 मार्क्स गेन किए हैं, है ना। 46 का परसेंटेज निकालेंगे 46/50 × 100 = 4600/50, जीरो से जीरो कट करिए, 5 × 40 = 5 × 5 = 45 × 5 = 10, 92%। ओके नेक्स्ट, है ना, ये सब्जेक्ट्स हो गए। अब देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज, अगर हम इनकी ओवरऑल है ना ओवरऑल टोटल परसेंटेज फाइंड आउट करें कि इनको इस रिपोर्ट कार्ड में टोटल जो लास्ट में ग्रैंड टोटल बोलते हैं जिसे, वो टोटल होता है वो कितने परसेंट है, तो देखिए उसके लिए हम इन दोनों का यहाँ पे टोटल करेंगे, है ना। मीन्स मैक्सिमम मार्क्स, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्सिमम मार्क्स, ओके, और ये है मिनिमम मार्क्स। ओके पहले इनका टोटल कर लीजिए, 50, 100, 150, 200, 250 यहाँ पर कर लीजिए टोटल। अब इनका टोटल लीजिए 5 × 7 = 7, 6 × 13 = 1, 1 × 3 = 4, 2 × 6 = 10, 14 × 18 = 183। एक बार फिर टोटल कर लेते हैं 5 × 7 = 7, 6 × 13 = 13, 1 × 3 = 1, 1 × 3 = 4, 2 × 6 = 6, 4 × 10 = 10, 4 = 14 and 4 = 18। ओके देन ये टोटल आ गया, मीन्स टोटल 250 में से उन्होंने मार्क्स गेन करे हैं 183। अब हमने इनका परसेंटेज निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए मैक्सिमम मार्क्स हैं 250, उन्होंने गेन किया है 183, देन परसेंटेज के लिए वो देखिए फॉर्मूला 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके तो देखिए कैसे करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई आप कितना बचा यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई 183 में करेंगे 1830/25। ओके भाई जीरो कट को कर दी, देन 10 बचे, अब 10 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 183 में, देन 1830/25, मीन्स 25 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, कैसे करेंगे 25 7 जा, देखिए 25 6 जा 150 and 25 7 जा 175, कितना बचता है 80, है ना, 8 बचा ना, और 0 तो 80 है ना, 25 3 जा 75 and 25 5 जा 50। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेते हैं,
175 में से 175 को माइनस करेंगे, 8 है ना, आगे 0, ठीक है, तो कितने हो गए 80, 25 3 जा 75, कितने 5 पॉइंट लगाओ 0, 50, 25 2 जा 50, मीन्स 73.2%। अब देखिए ये इनका ओवरऑल जो टोटल सब्जेक्ट यानी कि मार्कशीट जिसको हम अंक पत्र बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, वो बनकर के तैयार होती है। ये सब्जेक्ट वाइज उनकी परसेंटेज है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त करे, कितनी परसेंटेज हुई, है ना। ये पांच सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और एग्जाम पेपर है 50 मार्क्स का। तो इनमें उन्होंने गेन किया 183 टोटल मार्क्स, 183। अब हमने ओवरऑल इनका परसेंटेज निकाला है, तो जो इनकी परसेंटेज आएगी ओवरऑल वो 73.2% मार्क्स उन्होंने गेन करे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।